विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। श्रावण मास के अंतिम सोमवार मतलब पचवा सोमवार और आज भाई बहनी के अगाध प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन के सब देशवासिन का विंध्यवासिन का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। सीधी से बड़ी खबर है, कल और आज मिलाई के कुल 11 नए संक्रमित सीधी में पाए गए हैं, जौने के चलते अब पूरे सीधी माँ नए तरीके से कोरोना से लड़ाई के जज्बात तैयार करे पड़ी। अपना पंचन को बताया दी कि सीधी माँ कुल कोरोना संक्रमित संख्या 98 हो चुकी है, एक्टिव केसन की संख्या 39 हो चुकी है, एक व्यक्ति के मृत्यु हो चुकी है और सीधी जिला में कुल कंटेनमेंट जोन 45 के आसपास बन चुके हैं, जो बेहद बड़ी खबर है। सीधी कलेक्ट्रेट कैंपस जो एक बे फिर से अब संक्रमण के दायरे में आ चुका है। हालात यह है कि कल जिला शिक्षा अधिकारी के साथ दुयाउ नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए रहे, जो ने अपना पंचन को बताया दी कि कल 7 कुल कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए रहे और आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। कल के बारे में अपना का बताऊं बहन की जिला शिक्षा अधिकारी और उनके साथ के कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दुईठ लड़िका जो नूतन कॉलोनी के निवासियां ही क्रमशः 19 साल 20 साल उनका रूम रही और SDFC बैंक के नीचे अपन दुकान खोले रहे, उनका रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव पाई गई रही और अन्य लोगों के प्रशासन पतासाजी करके सबका आइसोलेशन वार्ड में एडमिट करी से। आज जो 4 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें सबसे बड़ी चौंकावे वाली खबर ही कि जिला चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड के एक 58 वर्षीय वार्ड बॉय जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अपना पंजीयन के याद हुई कि बीते दिन एक इमरजेंसी डॉक्टर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हीं के संपर्क से ई वार्ड बॉय नए कोरोना पॉजिटिव कल पाए गए हैं, जो बेहद बड़ी खबर हुई जाती है, विषय हुई जाता है कि अमूमन जो है इमरजेंसी वार्ड में सब लोग संबद्ध ऐसा रहा था कि मरीज जो जाते इलाज के दौरान इलाज करावे के पर्ची बनवावे के इमरजेंसी डॉक्टर का बुलावेंगे, तो मतलब एक बेहद बड़ा जो संपर्क के आंकड़ा है हो सकत है। लगभग 50 लोगों की जांच हो चुकी है अभी तक और आगामी जो कॉन्टेक्ट हिस्ट्री है तलाशी जा रही वार्ड बॉय के और उनके चकदही स्थित आवास का कंटेनमेंट जोन कैदीन का है। और बेहद बड़ी बात है कि सीधी चिकित्सालय के यह दूसरा मामला आए जो अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जो बेहद चिंताजनक है। और सीधी के अपना पंजीयन का हाल बता दी कि अन्य जो अब 3 और कोरोना पॉजिटिव हैं उनका जो है पता साझी की इंजाला ही और दावा यह की इंजाला है कि जल्द उनका जो है उनका ट्रेस कर ली जाए और उनका आइसोलेशन वार्ड में एडमिट की जाए। तो यह बेहद बड़ी खबर है यह वक्त के कि कल 11 व्यक्तियों का छुट्टी दे के चिंता की लकीर कम करे के प्रयास कीन का रहा, किंतु कल 11 का छुट्टी दिन गए तो कल आज मिलाई के 11 पुनः नए कोरोना पॉजिटिव आए गए हैं, जो बेहद बड़ी चिंता की बात थी। हालात यह है कि सीधी माँ कोरोना वैश्विक महामारी के प्रति लोग गंभीर नहीं आई, कहे कि यह हम नहीं कही यह सीधी के हालात कहा थे। शनिवार और रविवार लॉकडाउन होने के बावजूद सड़कन माँ लोग जो हैं बेफिजूल तफरी मारे निकल आवत है, जो बेहद खतरनाक है। यदि देश के हालात की बात की जाए तो देश में गृह मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अपना खुद कल्पना कर ली कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके द्वारा खुद ट्विटर में ट्वीट करके ये बात कही गए कि हमारे संपर्क में जो लोग आए हों खुद क्वारंटाइन हो जाए, अपने आप का जो है अपन जाँच करा लें और क्वारंटीन हो लें। तो मतलब अब खुद सोची कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ओम कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री उनकर्ता हालांकि अब छुट्टी हो चुकी है, किंतु कोरोना आखिर एकर स्तर का है, मतलब हालात यह है कि कोरोना से बचब बेहद असंभव है। ऐसे जे थोड़ो का लापरवाही करी सी वह निश्चित तौर पर यह कोरोना के शिकार हो गया है। हालात यह है कि यह यदि अपना की उम्र कम ही तो अपना का खतरा तो नहीं है, किंतु यदि अपना घर में बुजुर्ग हैं बच्चा हैं, अमूमन सबके घरे में बुजुर्ग और बच्चा होते हैं जिनके खातिर यह कोरोना बेहद घातक है, बेहद बीमार कह सकते हैं और लापरवाही के कर हमारा वो अपना के ऐसे अपना अपने जान के जो है गारंटी ले सकी थे मगर किंतु दूसरे के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कह सकी। ऐसे कोशिश यह करी कि घरे से निकलवे न करी, घरे से यदि भगवान इंतजाम दए है इतनी सब व्यवस्था दए है तो कुछ दिन घर में रुका जाए और यह वैश्विक महामारी का पराजित कह के बाद
सब व्यापार हो सकत है, सलगा खरीदारी हो सकत है, सब कुछ हो सकत है। ऐसे यह छोट का निवेदन लेके आए हैं अपने पंचायत के बीच में कि मास्क लगाई, यदि बहुत जरूरी हो तब घर से बाहर निकली, मास्क लगाई, सामाजिक दूरी के पालन करी, सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोवत रही, यह एक प्रमुख नियम कायदा है। किंतु लोगन के लापरवाही एक बेहद बड़े चिंताजनक हालात पैदा कर रही है। सीधी माँ तो बेहद कहा जाए कि अच्छी बात न हो। ऐसे आपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी। और यह पूरे मामला में सीधी के जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एल मिश्रा के साफ तौर पर यह कहा है कि जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकली और सतर्कता सावधानी जो है यह वैश्विक महामारी के दौर से जो है हमको अपना का सुरक्षित रह सकत ही, नहीं तो फिर कौनो दुनिया की ताकत नहीं आए कि हम अपना बच पाई या कोरोना संक्रमण से। हम बहुत जल्दी अपना का एक बेहतरीन और एक बहुत तथ्यात्मक बात के प्रमाण सहित लेके आवे वाले हैं एक शो जो है कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड या कोरोना से जुड़ा शब्द है और एका लगभग अपना पंचे जानत हो, किंतु एका लाई के सरकार अभी दावा कह रही है कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। किंतु हम ये बात का साबित करे के प्रयास करब, कुछ वैज्ञानिक शोधकर्ता के द्वारा उनका बयान सुनाऊँ कि उनके द्वारा का कहा जाता है। और लगभग हालात ऐसे हैं कि देश में कम्युनिटी स्प्रेड के आगाज हो चुका है। कुछ वैज्ञानिकन के मानब है कि एक सरकारी तौर पर अबे नहीं कहा जा लगे, किंतु भारत के हालात बेहद चौंकावे वाले और ओके जो भारत के बयान आवत है, मतलब सरकार के बयान आवत है, ओके बेहद उलट है। तो अपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी। वैश्विक महामारी का हम सब बिल्कुल पराजित करब, हिम्मत न हारी और डराए की जरूरत नहीं है। बेहद सतर्क रही, सावधान रही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।